ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन से शुरू होने वाले हैं इन तीन राशियों के अच्छे दिन। नोटों से भरी रहेगी जेब। लेकिन दोस्तों जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जानकारी शेयर करें जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार रक्षाबंधन पर ग्रहों की शुभ स्थिति तीन राशियों की किस्मत चपका सकती है। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन से तीन राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वो तीन राशियाँ जिनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। पहली राशि है दोस्तों मिथुन। जी हाँ, रक्षाबंधन से मिथुन राशि वालों के अच्छे दिन की शुरुआत हो सकती है। धन में वृद्धि के चलते जातक बचत करने में सक्षम रहेंगे। अगले एक महीने तक आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति से भी फायदा मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं दूसरी राशि की। दूसरी राशि है दोस्तों सिंह राशि। रक्षाबंधन का त्यौहार सिंह राशि वालों के लिए भी शुभ साबित हो सकता है। रुपयों पैसों के मामले में आ रही दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इस दौरान आपको आर्थिक जीवन में धन कमाने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं और साथ में आय के स्रोत एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो भी अवसर आपके पास आए उन्हें गंवाएं ना, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं तीसरी और अंतिम राशि की। तीसरी राशि है धनु। जी हाँ, रक्षाबंधन का त्यौहार धनु राशि वालों को भी भाग्यशाली बना सकता है। नौकरी पेशा जातक बाहरी स्रोतों से भी आय अर्जित कर सकते हैं। साथ ही इंक्रीमेंट और पदोन्नति होने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। आपको किसी पुराने निवेश पर भी बड़ा लाभ हो सकता है। तो यदि आप बहुत दिन से अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि वो समय अब निकट आ चुका है। दोस्तों बस संयम रखें और अपने पूरे लंग से मेहनत करते रहें, आपको इंक्रीमेंट यानी ज़रूर प्रमोशन मिलेगा। दोस्तों तो ये है वो तीन राशि जो इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार पे हो सकती हैं बहुत भाग्यशाली और अच्छे दिन आ सकते हैं, चाहे वो कैरियर को लेके हो या फिर धन संबंधी चीज़ें हों, आर्थिक स्थितियों सब बेहतर हो सकती हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।